एक आदत वाकई में अच्छी है या बुरी मुझे समझ में नहीं आता। मेरी आदत है, वो सुशांत की भी आदत थी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ये आदत छोड़ ही देनी चाहिए। क्या है ये आदत? रोज सुबह या फिर सुबह थोड़ी देर अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद गूगल पे हम देखते थे खबर हमेशा, और गूगल पे जब ऐसी खबरें आती है बड़ा अजीब लगता था। मैंने जब, क्योंकि मैंने गूगल पे ही पढ़ी थी खबर दिशा सालियान की, सुशांत की तो गूगल पे नहीं पढ़ी थी, क्योंकि सुशांत की तो बहुत लोगों ने पर्सनली फ़ोन किया था मुझे, और फिर उसके बाद न्यूज़ पे देखा तब जाके यकीन हुआ, वरना तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसे ही मिथिलेश चतुर्वेदी, आज मैं वही कर रहा था, सुबह वही आदत, ऐसे ही सुशांत को भी आदत थी, उसी ने देखा कि दिशा सालियान के बारे में उसकी न्यूज़ आ रही है। ऐसे ही मैंने गूगल पे पढ़ी थी ऋषि कपूर साहब की, इरफान खान की। बहुत बुरा लगता है जब गूगल पे ऐसी न्यूज़ पढ़ी जाती है, और जब पुख्ता होता है तो, और अभी तो मुझे लोगों को भी बताना होता है। मिथिलेश चतुर्वेदी एक एक्टर है, बॉलीवुड के एक्टर थे वो, उनकी कल शाम को हार्ट अटैक की वजह से, 3 अगस्त 2022 को हार्ट अटैक की वजह से उनके होम टाउन में उनका निधन हो गया। वो इस दुनिया में अभी नहीं है। लिखी मिथिलेश चतुर्वेदी वो है जिन्होंने गदर फिल्म में एक रोल किया था, रेडी फिल्म, सत्या, बंटी और बबली, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अच्छे अच्छे रोल किए। रेडी फिल्म में वो कैरेक्टर था उनका जो एक लड़की को भगा लेता है सलमान खान अजय देवगन के लिए, जी उसका नाम होता है जो भी उसके पिता होते हैं वो, तो वो आग लगा लूँगा आग लगा लूँगा, ये एक अच्छा एक सीन था रेडी फिल्म का। अजय देवगन के साथ उसकी शादी करवा देते हैं, अजय देवगन कैरेक्टर रेडी ला है, वो लड़की के साथ गाना गाते हैं, जैसे वीर फिल्म में साथ में थी, मैंने भी उसके साथ काम किया एक शो में, नाम तो वो एक रेडी फिल्म का एक अच्छा सीन उन्होंने किया, काफ़ी अच्छे अच्छे रोल किए। सत्या फिल्म में एक अच्छा रोल किया, गदर फिल्म में अमीषा पटेल जब पाकिस्तान चली जाती है तो वहाँ पे उनके पिता के दोस्त का रोल किया। ये ऐसे अच्छे अच्छे रोल किए थे, काफ़ी अच्छे एक्टर थे। मैं तो उनको बचपन में सीरियल में देखता था, उसके बाद फिल्मों में उन्होंने एक एज के बाद उन्होंने फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे रोल किए, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है। मुझे जब ये एक न्यूज़ ऐसी मैंने, हालांकि मैंने कभी उनको मिला भी नहीं, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है, एक एक्टर को हम पर्दे पे देखते हैं और उसके बाद अचानक उनकी ज़िंदगी अच्छी रहती है, अच्छे इंसान होते हैं, और फिर अचानक हमें न्यूज़ पढ़ने मिलती है कि वो हमारे बीच नहीं है। तो फिर वो किरदार जो उन्होंने निभाए हैं वो सब सामने आ जाते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ में से ही कोई था। बड़े रिस्पेक्टफुल आदमी थे, पर्सनली उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान थे, बहुत लोगों को हेल्प करने की कोशिश करते थे और काफ़ी लोगों की हेल्प की। सीरियल में बड़े पापा या फिर पिताजी या बेटियों के पिता का रोल करते थे मैक्सिमम, और जिस तरह से बाकी फिल्मों में उन्होंने रोल किया इसी टाइप के रोल किए, काफ़ी निगेटिव, एक दो निगेटिव रोल भी किए जो काफ़ी बखूबी उन्होंने निभाए। लेकिन कल शाम को उनके दामाद, उन्होंने खबर दी कि उनके ससुर जी इस दुनिया में नहीं हैं, हार्ट अटैक की वजह से उनको प्रॉब्लम हुआ था, हार्ट का प्रॉब्लम उनके काफ़ी चल रहा था, इस वजह से वो अपने होम टाउन गए थे इलाज कराने, और लेकिन वहाँ पे अचानक कल शाम को ये दुखद खबर मिथिलेश चतुर्वेदी की सबके सामने आई। उनके दामाद ने बात पुष्टि की मीडिया के सामने, और आज मीडिया में खबर आई, तो मीडिया में खबर अभी टेलीविज़न पर अभी तक शायद आई नहीं, लेकिन मैंने गूगल पे ही पढ़ी। तब मैंने अपने एक दो लोगों को फ़ोन किया, इंडस्ट्री के लोगों को, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं रहे, और फिर उसके बाद मैंने रिपोर्टर्स को फ़ोन किया, बोले हाँ, तब मुझे लगा कि नहीं ये खबर आप सबको बता दूँ। क्यों? इसलिए बता दूँ ताकि प्लीज़ 2 मिनट की शांति के लिए, भले आपको उन्होंने कम से कम 2 मिनट तो एंटरटेन किया होगा, कोई ना कोई फिल्म तो आपने देखी होगी उनकी, मुझे सारी फिल्मों के नाम तो नहीं, लेकिन उनको बहुत सारी जो मैंने देखी उनको याद है, रेडी फिल्म है, सत्या फिल्म है, गदर फिल्म है, गदर एक प्रेम कथा सनी देओल की जो है वो, और ऐसी और भी 4-5 फिल्में हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कृष्णा विवेक ओबराय की है, ऐसी काफ़ी फिल्में, बंटी और बबली,
अभिषेक बच्चन रानी मुखर्जी की, उसमें भी एक रोल किया है। और भी है दो चार फिल्में जिन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया उन्होंने, और बड़े इम्पोर्टेंट रोल थे। तो जब मुझे लगा कि नहीं, आपको इसलिए बताया जाना चाहिए न्यूज़, ताकि एक अच्छे कलाकार के लिए अगर आप दो मिनट का मौन रखें, तो कहा जाता है ऐसा कि दो मिनट का मौन रख के उनको थोड़ी उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि आप सबको बोलूँ और एटलीस्ट आपके जीवन में से एक मिनट का मौन या दो मिनट का मौन उनके लिए रखें और उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करें। वीडियो के बाद मैं तो ज़रूर दो मिनट रखूँगा आपके लिए, जस्ट एक नॉर्मल बताया। और प्रेयर करिए उनके लिए, ज़िंदगी ऐसी ही है, कब किसका बुलावा आ जाएगा कोई भरोसा, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं, जब तक लोग जिंदा हैं, उनकी केयर करिए, उनसे पूछिए आप कैसे हैं। किसी को कोई पैसे तो खर्च नहीं करने किसी के ऊपर, लेकिन पूछना, उसकी केयर करना, उसको अकेला महसूस ना रहने देना अच्छी बात है। और जो हार्ट अटैक अभी पिछले कुछ दिनों में और एक एक्टर गए थे हमारे बीच में से, अभी मिथिलेश जी गए, ये हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे कुछ जानकार थे जो एक डेढ़ साल पहले, आपको पता होगा मंदिरा बेदी, उनके हस्बैंड, वो मेरे जानकार में से ही थे, उनका भी हार्ट अटैक की वजह से। मैं कहता हूँ प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए सब लोग, वो एक्टर हो या फिर बिजी शेड्यूल में आप भूल जाते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने घर से चना वना उबाल के या फिर जो भी हेल्दी डी डाइट होती है वो लेके आते, नहीं खाते बाहर का खाना, वही डाइट लेते हैं, जो ऐसी डाइट लेते हैं जो 6-6 घंटे तक अच्छी रह सकती है, जो ये ख़राब नहीं होती, और वो डाइट खा सकते हैं। और वही लोग करते, वो लोग करते हैं, हेल्थ का ख्याल रखते हैं, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका जीवन अच्छा बीतेगा। मेरा हेल्थ चैनल भी है, उसमें अगर आपको कोई भी टिप्स चाहिए होगी, वहाँ बहुत सारी टिप्स अवेलेबल है ज़िंदगी बिताने के लिए, ज़िंदगी अच्छी, मन सुख शांति, दिमाग शांत, हार्ट, किडनी, लीवर, सारे अवयव, शरीर के सारे पार्ट अच्छा रखना, ये आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है, ये शरीर मंदिर है, इसको साफ रखिए। मिथिलेश चतुर्वेदी ने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन एक उम्र हो जाती है, एक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है फिल्म इंडस्ट्री में, इतना आसान नहीं। लेकिन बाकी लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सेहत का ख्याल रखिए, अनशन खाना पीना नहीं खाना चाहिए, मजबूरी अलग होती है, जैसे आज मेरी है, लेकिन आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और मिथिलेश चतुर्वेदी के लिए बिल्कुल प्रेयर करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच मेरे साथ ज्वाइंट होने के लिए, ऐसे ही वीडियो मेरे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि मिथिलेश चतुर्वेदी जी की आत्मशांति के लिए मैक्सिमम लोग प्रेयर